गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सब्सक्राइब एनिमेशन बटन किस तरीके से बना सकते हो, जो नीचे पॉपअप हो रहा है दोस्तों। आप इस तरीके से किस तरीके से बना सकते हो ऐसा बटन सब्सक्राइब एनिमेशन वाला दोस्तों। आज की वीडियो में मैं ए टू जेड बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। वीडियो का एक पार्ट भी मिस नहीं करना, आपको दूसरी कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। और ये जो सब्सक्राइब एनिमेशन बटन है, आपकी वीडियो को काफ़ी हद तक क्वालिटी वाला बनाता है और आपकी जो वीडियो उसको प्रोफेशनल लुक देता है। और आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि सब्सक्राइब करो, वरना आपकी मर्जी दोस्तों। काफ़ी हद तक यानी आपकी वीडियो है वो बेहतर बनाता है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो दोस्तों पूरी देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को ऑल कर देना, वीडियो पूरी देखना। तो दोस्तों सबसे पहले हमको काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा। जैसे काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 16:9 का रेशो जो है सिलेक्ट कर देना है आपको दोस्तों। करने के बाद यहाँ पर आपको मीडिया पे ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपने जो भी दोस्तों डाउनलोड किया हुआ है तो वो आपको उठा लेना है। मैंने यहाँ पर एक ये वाला डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पर जो है ये आपको यूट्यूब पे आपको सर्च करना है सब्सक्राइब एनिमेशन बटन ग्रीन स्क्रीन दोस्तों। यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमेशन दोस्तों बटन मिल जाते हैं, आप कोई सा भी वहाँ से डाउनलोड करके और आप यहां पर एडिट कर सकते हो। तो ये वाला एक दोस्तों मैंने डाउनलोड कर लिया। आप सिंपली इसको डाउनलोड करने के बाद यहां पर हम इसको एडिट करेंगे। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हमको यहां पर लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर एक जो मेरी पिक्चर है दोस्तों, यहां पर सबसे पहले मैं एक ये वाली उठा लेता हूँ जो मेरे चैनल की है। तो ये वाली मैंने एक पिक्चर उठा ली है। और उसके बाद यहाँ पर मेरे को साइज़ दोनों दोस्तों बराबर कर देनी है। तो ये वाला फटाफट से एक साइड जो दोस्तों मैं बराबर कर देता हूँ। और दोस्तों साइड बराबर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों ये जो दोस्तों चौरस में बना है, इसको हमको गोलाई में बनाना है यानी सर्किल में बनाना है। तो यहाँ पर नीचे आओगे क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इसको ओके करके यहाँ पर मास्क को इनेबल कर देना है। देन दोस्तों ये आपको ये जो है सर्किल के नमूने में बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको राइट कर देना है। राइट करने के बाद दोस्तों इस बटन आप इस फोटो को दोस्तों पिक्चर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं भी आप दोस्तों एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने एडजस्ट कर दी और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। राइट करने के बाद दोस्तों मैं अपने जो चैनल है दोस्तों उसका नाम लिख देता हूँ, कुछ ही लिख देता हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ पर मैं अपने चैनल का आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख देना। यहाँ पर मैं जो है सिर्फ अपना ही नाम लिखूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो ये फ्रेंड्स मैंने एक अपना जो नाम है दोस्तों वो लिख दिया है। और नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर दोस्तों फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको दोस्तों इसको रोबोटो ब्लैक कर दूँगा, ये काफ़ी बेहतर होता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसका जो कलर है वो चेंज करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कलर दोस्तों जो है उसका यहाँ पर दोस्तों वे ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ। चलो फ्रेंड्स, ये वाला कलर दोस्तों मेरा जो है ब्लैक हो चुका है और उसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो इसकी लेयर है दोस्तों, पट्टी है दोस्तों, यानी इसको टेप करके यहाँ पर दोनों को बराबर कर देना है और आगे से भी आपको बराबर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों हम इसको चला कर देखते हैं किस तरीके से आ रहा है। चलो हम पहले कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस तरीके से प्ले हो जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको कुछ प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे। इसके साथ दोस्तों ये आए और इसके साथ जाए तो यहाँ पर एनिमेशन, यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जिससे आप लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों
नीचे जो पट्टी है दोस्तों, आप ये वाली पट्टी है, इस पर क्लिक करो। और उसके बाद यहाँ पर एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर जो है अब स्लाइड अप कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसको स्लाइड अप कर देंगे। और यहाँ पर दूसरी पट्टी को भी हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इन एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे स्लाइड अप कर देंगे। स्लाइड अप करने के बाद अब हम इसको चला कर देखते हैं किस तरीके से आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो जो ये इस तरीके से बन रहा है। और उसके बाद ये जो अब नीचे दोस्तों स्लाइड डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको आउट एनिमेशन पे जाकर यहाँ पर स्लाइड डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पर स्लाइड डाउन, तो इसको भी ऐसे ही कर देते हैं आउट एनिमेशन, यहाँ पर स्लाइड डाउन। स्लाइड डाउन के बाद दोस्तों हम इसको प्ले करके देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये बन के रेडी हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट करके अपनी वीडियो पे आपको लगा कर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो एक्सपोर्टिंग दोस्तों ये हो जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक अपनी जो वीडियो है दोस्तों, वीडियो है आपको जिस भी वीडियो में लगाना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर अभी काइन मास्टर ओपन करके। और यहाँ पर दोस्तों एक अपनी वीडियो है दोस्तों, यहाँ पर 16:9 का रेशियो सिलेक्ट करके आपको जो भी दोस्तों जिस भी वीडियो में लगाना है, तो मीडिया आपके ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर एक ये वाली मेरी वीडियो है। तो फ्रेंड्स, एक ये वाली मेरी वीडियो है जो जिसमें मैं लगाना चाहता हूँ, इसका जो वॉल्यूम है दोस्तों ये कम कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, वॉल्यूम कम करने के बाद यहाँ पर मैं लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों ये मैंने बहुत सारे बटन बनाए, तो ये वाला एक मेरे को सिंपली ये वाला अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैं क्रोमा की के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर इसको इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद दोस्तों आप इसको इस तरीके के से टैप करके यहाँ पर कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मुझको इस यहाँ पर ये एडजस्ट कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको प्ले करके देखते हैं किस तरीके से आ रहा है। दोस्तों ये ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर देता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब देखते हैं कि किस तरीके से वीडियो में आ रहा है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करके देखते हैं, प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों अब कुछ इस तरीके से आ रहा है दोस्तों, जो काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है। तो उसके उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब पर मिलती रहे। दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।